एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है। ऐसा ही कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ। जर्मनी पर भड़का है पाकिस्तान, आखिर अचानक से क्यों? और एक ऐसी घटना हुई है जो घटना भारत के साथ भी हुई थी और तब पाकिस्तान चुप रह गया था। जानेंगे क्या हुआ है यहाँ पे। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने S-500 पर भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जो चाइना को हैरान करके रख रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो में क्या देख रहे हैं, कुछ शख्स यहाँ पर पहुँचते हैं, ऊपर पाकिस्तान का झंडा है, ये चढ़ते हैं, पाकिस्तान के झंडे को उतारते हैं और फिर ये इसे लेकर नीचे आ जाते हैं। कहा जाता है कि इस झंडे को उतारकर फिर इस झंडे को जलाने की कोशिश की गई या फाड़ने की कोशिश की गई। ये किसका झंडा है? पाकिस्तानी दूतावास का झंडा है जो जर्मनी में है। ऐसा ही सीन भारत के साथ भी हुआ था। अब बड़ी मजे की बात क्या है, फ्रैंकफर्ट में दूतावास पर हमला हुआ और जब पाकिस्तान की तरफ से बयान आया ना तो कड़ी आलोचना कही। और कड़ी आलोचना में पाक विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि फ्रैंकफर्ट में हमारे वाणिज्य दूतावास पर चरमपंथियों के गिरोह ने जिस तरीके से हमला किया है वो चिंताजनक है, इसके कड़े शब्दों में निंदा की जाए, दोषियों पर सख्त एक्शन। साथ ही पाकिस्तान ने कहा कि जर्मनी उनके दूतावास को सुरक्षा देने में विफल हो गया। पाक सरकार ने जर्मन अधिकारियों से घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कहा। हालांकि मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने बयान में अफगानिस्तान या तालिबान का नाम नहीं लिया, जबकि दूतावास में घुसने वाले लोग अफगानिस्तान का झंडा लिए हुए थे। जर्मनी में पाकिस्तान के दूतावास पर जो ये वीडियो आया है, इस वीडियो में ये दिख रहा है पर पाक को ये नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्या कोई डर है? हाँ जी, एक डर है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कई तरह के हालात साथ साथ चल रहे हैं और पश्तून लोग खिलाफ में उतरे हुए हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान डर कर यहाँ नाम नहीं ले रहा है, लेकिन पूरा गुस्सा पाकिस्तान ने जर्मनी पर उड़ेलना शुरू कर दिया। जर्मनी को कहना शुरू कर दिया, तुम्हें वियना कन्वेंशन याद नहीं है, तुम्हारे ऊपर है सुरक्षा, तुमने हमारी सुरक्षा नहीं की, ये गलत है और आपको पकड़ना होगा उन लोगों को जिन लोगों ने हंगामा किया, उनके साथ भी आपको एक्शन लेना होगा, जो अफसर रोक नहीं पाए ऐसा कर नहीं पाए। दुनिया में अगर कोई चीज गलत होती है ना, तो फिर ऐसा नहीं है कि वो किसी के साथ हो रही है तो दूसरे के साथ नहीं होगी, वो कभी ना कभी घूम कर आएगी ही। और ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। कुछ ऐसा ही सीन यूके के दूतावास में भारत के झंडे के साथ भी हुआ था और आज जर्मनी में पाकिस्तान के झंडे के साथ हो रहा है। खैर, अब यहाँ पर जर्मनी क्या रिएक्शन देता है एक दो दिन में पता चलेगा, पर ये एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस की दोस्ती अनकंडीशनल है। एक समय आया था जब रूस को ऐसा लगने लगा था कि शायद भारत और रूस की दोस्ती आगे न चल पाए और भारत पश्चिमी दुनिया की तरफ ज्यादा झुक जाए। भारत उस वक्त थोड़ा सा पश्चिम के साथ रिश्तों को ठीक भी कर रहा था, या फिर ये कहें कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत अपने आप को सेट कर रहा था कि हाँ जी, हम अमेरिका के भी दोस्त हैं तो हम रूस के भी दोस्त हैं, हम फिलिस्तीन के भी दोस्त हैं तो हम इजराइल के भी जिगरी दोस्त हैं। कुछ इस तरीके से भारत की नीति अभी तक की रही है। शायद उस वक्त रूस ने भारत को कुछ और समझ लिया कि भारत का झुकाव अब पश्चिमी देशों की तरफ हो रहा है। लेकिन G20 की मीटिंग हुई और G20 की मीटिंग के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट आया उसने रूस को क्लियर कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस युद्ध काल में भारत ने बहुत ज्यादा प्रेशर सहते हुए भी रूस के साथ अपने व्यापारों को निश्चित रखा, तेल की खरीद करता रहा। भारत को भी फायदा हुआ तो वहीं रूस को भी फायदा हुआ। हाल ही में सरगेई लवारोव ने, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, UN में इस बात को कहा भी कि भारत के ऊपर अनजस्टिफाइड प्रेशर डाला जा रहा है, भारत तेल खरीद रहा है इसलिए ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, भारत के साथ ये दबाव अनुचित है। अब रूस और भारत के संबंधों में एक
नई उछाल देखने को मिल रही है। भारत और रूस ने ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया और ब्रह्मोस मिसाइल को अब ये बेच भी रहे हैं। दोनों का जॉइंट प्रोडक्शन है। जॉइंट प्रोडक्शन होने की वजह से ये मुनाफा रूस को भी जा रहा है तो भारत को भी मिल रहा है। इसके अलावा एक चीज और देखने को मिली, सुखोई फाइटर जेट रूस ने बहुत सारे कंपोनेंट्स वगैरह बनाने के लिए भारत के साथ साझा किया था। काफी पहले ही भारत में बनते थे, HAL बनाता था। जब विपत्ति का समय आया तो बहुत सारे रूस के कस्टमर भारत के पास आने लगे, ये कंपोनेंट दे दो, वो कंपोनेंट दे दो, और भारत ने कईयों को ये कंपोनेंट्स बेचे भी। उसके बाद रूस का एक निर्णय और आया, और आपको बता दूं ये सारा निर्णय राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की मीटिंग के बाद आ रहा है कि सुखोई विमानों का भी भारत में निर्माण किया जाएगा। अब तक सुखोई विमान तक चीजें थी और चाइना आंखें बंद किए हुए था कि चलो ये सारी चीजें तो पुरानी बातें हैं, इससे क्या हो जाए। चाइना ने शुरुआती दौर में रूस से S-400 मांगा था, जब रूस S-400 नया नया बना ही रहा। रूस ने चाइना को S-400 दिया और चाइना ने क्या किया, उसका रिवर्स इंजीनियरिंग कर लिया। हालांकि चाइना को जो S-400 दिया गया था असल में उसकी रेंज 300 ही थी, तो चाइना ने इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली और चाइना ने फिर बाकी के मंगवाए नहीं और रूस ने भी बाकी के दिए नहीं। चाइना के बारे में रूस को बहुत अच्छे से पता है, ये तो मजबूरी है कि रूस को चाइना के वो साथ लेकर चलना पड़ रहा है। अब इसी क्रम में रूस ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है कि चलो हम दोनों मिलकर बनाते हैं S-500, भारत में ही बनाया जाएगा S-500। S-500 डिफेंस सिस्टम, इसे माना जाता है अभी दुनिया का सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम और इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी टैकल कर सकता है। ऑफर तो बहुत तगड़ा है। और ये ऑफर क्यों दे रहा है रूस, इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण ये है कि रूस को एक भरोसेमंद साथी चाहिए जिससे वो टेक्नोलॉजी साझा कर सके। फिलहाल के लिए उसकी समस्या ये है कि वो फंसा हुआ है युद्ध में और युद्ध में उसके ऊपर लगे हुए हैं प्रतिबंध। प्रतिबंध की वजह से कई सारे कंपोनेंट हासिल नहीं हो रहे हैं। रूस चाहता था 2014 में ही अपनी सेना में S-500 को शामिल करना, लेकिन आगे बढ़कर ये 2021 हो गया। अब रूस चाहता है कि इसको ज्यादा संख्या में प्रोडक्शन किया जाए। भारत की मदद चाहता है वो कि भारत के पास वर्क फोर्स भी है और भारत के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, जॉइंट प्रोडक्शन के तहत भारत बना सकता है S-500 को। भारत के लिए अच्छी बात यह होगी कि अगर भारत इसे बनाता है तो फिर चाइना के खिलाफ एक मजबूत हथियार मिल जाएगा। पर एक समस्या भी है कि भारत अगर इसे हाँ कहता है तो अमेरिका के साथ रिश्तों में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, एरिक गार्सेटी, इन्होंने हाल ही में बयान दिया कि देखो हम तो विश्वास करते ही है ना, तभी तो हम तेजस का इंजन दे रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, तेजस का इंजन लटका पड़ा है और डिले पे डिले हो रहा है। आपको क्या लगता है, रूस की बात क्या मान लेनी चाहिए या नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।